हेलो फ्रेंड्स, मैं योगिता मेरे अपने योगी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। अभी सीताफल की सीजन है तो हम बनाएंगे सीताफल की रबड़ी, जिसे बासुंदी भी कहते हैं। तो आप इसे अपने घर पे किसी भी ओकेज़न पे या पार्टी में इसे आप लंच या डिनर में मेन कोर्स में डिज़र्ट की तरह शामिल कर सकते हैं। सीताफल की रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो बड़ी साइज़ के पके हुए सीताफल लिए हैं। सीताफल हमें मीडियम पका हुआ लेना है, ज़्यादा पका हुआ नहीं लेना है। अगर ज़्यादा पका हुआ सीताफल हम लेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। सीताफल की रबड़ी बनाने के लिए हम सीताफल का पल्प निकालेंगे। सीताफल का पल्प निकालने से पहले हम रबड़ी की तैयारी करेंगे, क्योंकि रबड़ी को बनने में ज़्यादा समय लगता है। सो फ्रेंड्स, रबड़ी बनाने के लिए हम एक हैवी बॉटम वाली नॉनस्टिक पैन में 1 लीटर फुल फैट दूध डालेंगे और उसे हाई फ्लेम पे एक उबाल आने तक पकाएंगे। आप रबड़ी को लोहे की कढ़ाई में भी बना सकते हैं, पर लोहे की कढ़ाई में दूध तले में लग सकता है। दूध को आपको कंटिन्यूसली चलाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, मैंने 1 लीटर फुल फैट दूध को नॉनस्टिक पैन में डाल दिया है। अब इसे हम गैस की फ्लेम को हाई करके एक उबाल आने तक पकाएंगे। दूध में एक उबाल आ गया है। अब गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और दूध में ऊपर आई हुई मलाई को उसमें अच्छे से मिला देंगे और स्पैचुला से अच्छे से दूध को हिला देंगे। 1 मिनट तक इसे हम हिलाएंगे। दूध को 1 मिनट हिलाने के बाद अब लो फ्लेम पे दूध को हम पकने के लिए रख देंगे। ये अपने आप पकता रहेगा लो फ्लेम पे। उसमें हम लकड़ी की स्पैचुला रख के पकने के लिए छोड़ देंगे और दूध को हमें तब तक पकाना है जब तक इसकी क्वांटिटी आधी लीटर जितनी हो जाए। ये पक के आधा हो जाए तब तक इसे हम पकाएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी इसे छोड़ देते हैं स्पैचुला रख के लो फ्लेम पे। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। सीताफल का पल्प निकालते हैं। अब हम सीताफल का पल्प निकालने के लिए हम सीताफल को आधा करेंगे। 1 चम्मच की मदद से सीताफल के सीड्स को हम अलग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सीताफल बहुत ही बढ़िया है। ये नहीं कच्चा और नहीं ज़्यादा पका हुआ है। सो फ्रेंड्स, अब इसमें से हम 1 चम्मच की मदद से उसके सीड्स निकालेंगे। उसमें से मावा निकाल लेंगे हम। तो एक बॉल लेंगे और बॉल के ऊपर एक स्ट्रेनर रखेंगे और स्ट्रेनर में हम सीताफल का पल्प डालेंगे और उसके बीज निकालेंगे। पल्प को स्ट्रेनर में निकालने के बाद पल्प को चम्मच से प्रेस करेंगे ताकि उसके जो सीड्स है वो आसानी से अलग हो जाए। सीताफल के पल्प को इस तरह निकालना ये बहुत ही इजी तरीका है। हमने आधे सीताफल का पल्प निकाला है। सो इतना हुआ है। अब हम सारे सीताफल का पल्प निकाल देते हैं और इसके बीज अलग निकालते जाएंगे। सीताफल के पल्प को आप 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं और उसे स्टोर करने का तरीका भी बहुत इजी है। सीताफल के पल्प को स्टोर कैसे करना है वो आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। उसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। सीताफल के पल्प में से सभी सीड्स को हमने निकाल दिया है। 2 सीताफल में से 1 कप जितना पल्प निकला है। पल्प को हम ज़्यादा मैश नहीं करेंगे। थोड़ा इस तरह साबुत भी रखेंगे ताकि रबड़ी में इसका जो पल्प ऐसा आएगा तो वो खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। सो फ्रेंड्स, अब ये पल्प को हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखेंगे। इसे ठंडा रखने से उसका जो कलर है वो चेंज नहीं होगा और उसका टेस्ट भी बना रहेगा। तो जब तक हम रबड़ी तैयार करते हैं तब तक इसको हम फ्रिज में रखेंगे। अब चलते हैं जहाँ हमने दूध उबालने रखा है। दूध हमारा अच्छा खासा बॉयल हो चुका है। इसमें मलाई की परत बहुत बढ़िया बनी हुई है। तो स्पैचुला से अब मलाई को हम साइड से हटाते जाएंगे और दूध में मिलाते जाएंगे। अब गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम दूध को अच्छे से पका लेंगे। जब तक दूध हमारा पक के आधा ना हो जाए तब तक दूध को हम पकाएंगे। दूध को 10 से 15 मिनट पकाने के बाद दूध हमारा अच्छा सा गाढ़ा हो गया है। इसमें से पानी अच्छे से रिड्यूस हो गया है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे केसर के कुछ धागे। केसर डालना ऑप्शनल है, पर केसर डालने से रबड़ी में टेस्ट बढ़िया आएगा। सो हम 2 पिंच जितना केसर का धागा डालेंगे और उसे अच्छे से मिला देंगे।
अब डालेंगे हम एक पिंच जितना इलायची पाउडर, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप इलायची पाउडर डालना नहीं चाहते हैं तो ना डालें, और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे एक कप जितना खोआ, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास खोआ नहीं है और डालना नहीं चाहते हैं तो उसके बिना भी आप रबड़ी बना सकते हैं। अब डालेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर, शक्कर मैंने यहाँ 8 टेबलस्पून जितनी ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शक्कर को मिलाने के बाद शक्कर को हम अच्छे से पकने देंगे, जब तक शक्कर का पानी अच्छे से रिड्यूस हो जाए तब तक शक्कर को हम पकाएंगे। गैस के फ्लेम को हाई करके रबड़ी को हम लगातार स्पैचुला चलाते हुए पकाएंगे, ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए तब तक इसे हम पकाएंगे। 5 से 6 मिनट पकने के बाद आप चाहे तो रबड़ी की कंसिस्टेंसी ऐसी रख सकते हैं, पर मैं इसे थोड़ा और गाढ़ा करना चाहती हूँ, तो इसमें मैं 2 टेबलस्पून जितना मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। मिल्क पाउडर डालने से आपको सीताफल की रबड़ी का टेस्ट बिल्कुल मार्केट में मिलने वाली रबड़ी जैसा लगेगा। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना मिल्क पाउडर ऐड किया है, आप चाहे तो ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मिल्क पाउडर को हम अच्छे से मिला देंगे और इसे थोड़ा गाढ़ा होने देंगे, और साइड की मलाई जमी हुई है वो उसे भी हम निकालते जाएंगे। अब गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई बादाम, बादाम इस टाइम पे डालने से अच्छे से उसमें सॉफ्ट हो जाएंगी, अगर आप इस टाइम पे डालना नहीं चाहते तो ना डालें। बादाम के साथ आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे सीताफल का पल्प, पल्प को हम चम्मच से इस तरह अच्छे से हिला देंगे, एक बार मिक्स कर लेंगे और रबड़ी में मिलाते जाएंगे। रबड़ी में अच्छा से पल्प को मिलाने के बाद हम 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से पका लेंगे। रबड़ी हमारी थोड़ी गाढ़ी हो जाए तब तक हम पल्प को लगातार स्पैचुला चलाते हुए हम पकाएंगे। इस तरह पल्प को भी रबड़ी में अच्छे से पकाने से रबड़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, बिल्कुल मार्केट में मिलने वाली जैसी रबड़ी लगेगी आपकी। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया लच्छेदार रबड़ी बन के तैयार हुई है। आप भी इस मेथड से सीताफल रबड़ी ज़रूर बनाएं। अब आखिर में 1 पिंच जितनी इलायची पाउडर मैं फिर से ऐड कर रही हूँ, अगर आपको पसंद नहीं है इलायची पाउडर तो ना डालें, पर इलायची पाउडर डालने से रबड़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगेगा। सो फ्रेंड्स, सीताफल रबड़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे आप गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं या फिर ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। अब इसे हम एक बॉल में निकालेंगे। सीताफल रबड़ी को सर्विंग बॉल में निकालने के बाद हम बादाम और पिस्ता से गार्निश करेंगे। सीताफल रबड़ी को आप बना के फ्रिज में 2 से 3 दिन स्टोर भी कर सकते हैं, और जब भी आपका मन करे तब फ्रिज में से निकाल के ठंडी ठंडी सीताफल रबड़ी खाने का मज़ा ले सकते हैं। सीताफल की सीजन में आप सीताफल की रबड़ी को किसी भी पार्टी या ओकेजन पे पहले से तैयार करके आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये सीताफल रबड़ी कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।